मूवीज स्टार्ट होते ही हम देखते हैं कालिदास ठाकुर का एक आदमी पुलिस की हिरासत में होता है और कालिदास ठाकुर पुलिस वाले को पैसे देते हैं ताकि उनका आदमी छूट सके। तभी वहाँ पे कालिदास ठाकुर के छोटे बेटे देवी आते हैं और अपने पापा से बोलते हैं, पापा मुझे डर लग रहा है, मुझे आपके पास सोना है। और फिर बोल रहे हैं, पापा वो खिड़की बंद करवा दीजिए, मुझे डर लग रहा है। तभी एक पुलिसकर्मी उस खिड़की को बंद करने जाते हैं, तभी उस पुलिस वाले को कोई गोली मार देता है और कालिदास ठाकुर के घर पूरी फायरिंग होने लगती है। उस फायरिंग में कालिदास ठाकुर के कंधे पर एक गोली लग जाती है जिसे देवी देखकर बहुत डर जाते हैं। और फिर कालिदास के घर डॉक्टर आते हैं और वो देवी का चेकअप करते हैं और वो कालिदास से बोलते हैं, देवी बहुत डर गया है, उसे यह सब चीज़ से दूर कर दीजिए। तो कालिदास ठाकुर देवी को सिंगापुर भेज देते हैं और तभी वहाँ पर परी आती है और कालिदास ठाकुर से पूछती हैं, देवी कहाँ गया? तो कालिदास ठाकुर बोलते हैं, देवी तो चला गया। तो परी बोलती हैं, वो मेरा 3 रुपया ले गया। तो कालिदास ठाकुर उसे 3 रुपया दे देते हैं। और फिर 6 महीने के बाद देवी वापस सिंगापुर से इंडिया आते हैं क्योंकि उनकी माँ का जन्मदिन होता है। वो जैसे ही इंडिया आते हैं, सबसे पहले वो अपनी गर्लफ्रेंड के घर परी के पास जाते हैं और फिर वे दोनों आपस में बहुत सारी बातें करते हैं। और फिर समीर परी को लेकर अपने घर आते हैं क्योंकि उस दिन उनकी माँ का जन्मदिन होता है और उनके फैमिली के सारे लोग साथ में होते हैं। उनके फैमिली में एक उनके बड़े भैया और भाभी होती हैं, एक उनकी छोटी बहन और उनके हस्बैंड। उनकी छोटी बहन के जो हस्बैंड होते हैं वो उनके भाभी के खुद खास अपने भाई होते हैं। देवी की जो भाभी होती हैं वो परी से बहुत नफरत करती हैं। वो नहीं चाहती कि देवी और परी का शादी हो। और उस बर्थडे पार्टी में कालिदास ठाकुर के फ्रेंड राणा भी आते हैं। राणा और कालिदास दोनों साथ में ही मुंबई आए थे मुंबई पर राज करने के लिए, मगर कालिदास ठाकुर राणा से बहुत ही आगे निकल गए और वो मुंबई पर राज करने लगे। राणा बार बार कालिदास ठाकुर को मारने की कोशिश करते हैं ताकि वो उनकी कुर्सी पर बैठ सके। और फिर देवी की भाभी अनवर चाचा के पास चाय लेकर आती हैं और वो उनसे बोलती हैं, मेरे रिलेशन वाले बोल रहे थे देवी को एक मुजरे वाले की लड़की पसंद आई। तो यह बात सुनकर अनवर चाचा उदास हो जाते हैं क्योंकि अनवर चाचा की जो वाइफ होती है वो कभी मुजरा किया करती थी। और यह बात देवी और परी को बताते हैं तो देवी और परी बहुत गुस्सा होते हैं क्योंकि परी अनवर चाचा की बेटी होती हैं। और देवी बोलते हैं, मुझे मालूम है वो नहीं चाहती कि मेरी और परी की शादी हो। तो देवी अनवर चाचा से बोलते हैं, मैं इसी मंथ परी से शादी करना चाहता हूँ और मैं उसे शादी के बाद सिंगापुर ले जाऊँगा। और उधर कबीरा का ड्रग्स का पहला सैंपल आने वाला होता है तो कबीरा का दोस्त बोलता है, तुम अभी कालिदास ठाकुर का गुरूर नहीं जानते, वो हमें ड्रग्स का बिजनेस कभी नहीं करने देगा। तो कबीरा बोलता है, अगर हम कालिदास ठाकुर को मार दे तो हम ड्रग्स का बिजनेस कर सकते हैं। अगले दिन पासपोर्ट ऑफिस से समीर के पास कॉल आता है और वो बोलते हैं, परी का पासपोर्ट रेडी है। तो समीर परी का पासपोर्ट लेने पासपोर्ट ऑफिस जाते हैं और वो परी के पास कॉल करके बोलते हैं, तुम जल्द ही रजिस्ट्रार ऑफिस पहुँचो, मैं तुरंत आता हूँ। और तभी उधर कालिदास ठाकुर को कबीरा के लोग गोली मार देते हैं और देवी पासपोर्ट लेकर निकलने ही वाले होते हैं तभी एक चाय वाला बोलता है कि कालिदास ठाकुर का गेम हो गया। और तभी समीर को गुस्सा आ जाता है और समीर अपने भाई के पास कॉल करते हैं और उनसे पूछते हैं, पापा किस हॉस्पिटल में हैं? और देवी हॉस्पिटल जाते हैं। देवी जब अपने पापा के रूम में जाते हैं तो फकीरा के लोग कालिदास ठाकुर को सुई लगाने ही वाले होते हैं तो देवी बोलते हैं, तुम लोग कौन हो? तो वे लोग अपने आप को डॉक्टर बताते हैं। तो देवी बोलते हैं, बताइए पापा का बीपी कितना है? जब उन लोगों को बीपी समझ में नहीं आता तो वे लोग अटैक कर देते हैं और देवी उन दोनों को वहाँ मार डालते हैं। और देवी अपने भैया के पास कॉल करके बोलते हैं, हमारे एक भी आदमी यहाँ पर नहीं है, हमारे सारे आदमियों को पुलिस उठा कर ले गई और पापा पर अभी जानलेवा हमला हुआ है। तो उसके भैया बोलते हैं, तुम वहीं रुको मैं आता हूँ। और वे लोग डॉक्टर से बोलते हैं, पापा को घर पर शिफ्ट करना है। और वे लोग पापा को घर पर ले आते हैं और तभी वहाँ कालिदास ठाकुर से मिलने अनवर चाचा आते हैं। तो देवी के भाभी और उसका भाई बोलते हैं, आप पापा से नहीं मिल सकते। तो अनवर चाचा बोलते हैं, क्यों? तो वे लोग कालिदास ठाकुर पर जो हमला हुआ था उसका इल्ज़ाम अनवर चाचा पर लगाते हैं। तभी वहाँ पर देवी के बड़े भैया आते हैं तो अनवर चाचा बोलते हैं, मैं एक बार मालिक से मिलना चाहता हूँ। तभी वहाँ पर देवी के भाई बोलती हैं, अनवर पापा से नहीं मिल सकते। तो देवी के भैया शैला को डरते हुए बोलते हैं, अनवर चाचा पापा से मिलेंगे। तभी वहाँ पर देवी आ जाते हैं और अनवर चाचा बोलते हैं, मैं एक बार मालिक से मिलना चाहता हूँ। तो देवी बोलते हैं, अनवर चाचा आप घर जाइए, पापा ठीक हैं। और अनवर चाचा ये बात आकर अपने घर परी को बताते हैं तो परी देवी के पास कॉल करके बताने वाली होती है तो अनवर चाचा बोलते हैं, देवी वहाँ था। तो परी बोलती है, उसने कुछ नहीं बोला। और फिर अगले दिन देवी की भाभी अनवर चाचा पर फिर से इल्ज़ाम लगाती हैं तो देवी के भैया बोलते हैं, तेरा मुँह बहुत चल रहा है, तू अपना मुँह बंद करके रख। तो देवी की भाभी से देवी की माँ बोलती हैं, मैंने अनवर भैया से ज़्यादा ईमानदार आदमी आज तक नहीं देखा। और देवी भाऊ से बोलते हैं, भाऊ आप इंस्पेक्टर दयाल से बात कीजिए, मैं फकीरा के साथ मीटिंग करना चाहता हूँ। और अनवर चाचा नमाज पढ़ रहे होते हैं तभी वहाँ पर परी आती है और परी अपने पापा से बोलती है, पापा मेरे पेट में देवी का बच्चा है, मैं प्रेग्नेंट हूँ। यह बात सुनकर अनवर चाचा उदास हो जाते हैं। और कुछ देर बाद अनवर चाचा के घर राणा आता है और वो अनवर चाचा से बोलता है, तुम मेरे साथ मिलकर काम करो, मैं तुम्हें बहुत पैसा दूंगा।
यह बात सुनकर अनवर चाचा गुस्सा हो जाते हैं और उसे बेइज्जत करके अपने घर से भगा देते हैं। जब राणा अनवर अंकल के घर से जा रहे होते हैं तभी वहाँ पर देवी की बहन और रंजीत आते हैं और राणा अंकल को अनवर अंकल के घर से जाते हुए देवी के बहन देख लेती हैं और वो गलत समझती हैं। तो रंजीत देवी के भैया से बोलते हैं, मैंने राणा अंकल को अनवर अंकल के घर से जाते हुए देखा। तो देवी के भैया राम बोलते हैं, तुम सब अनवर अंकल के पीछे क्यों पड़े हो? तो देवी की बहन बोलती है, भैया मैं भी तो वहाँ पर थी, मैंने भी तो देखा। तो देवी रंजीत से बोलते हैं, तुम जाओ और अनवर अंकल को घर पर लेकर आओ। और देवी के घर इंस्पेक्टर दयाल का फ़ोन आता है और वो भाऊ से बोलते हैं, मीटिंग फकीरा के घर होगी और उस मीटिंग में फकीरा ने राम को नहीं देवी को अकेले बुलाया है। तो राम देवी को जाने से मना करते हैं। तो देवी बोलते हैं, भैया मैं जाऊँगा और मैं उन तीनों को मार कर ही घर वापस आऊँगा। तो रंजीत अनवर अंकल के घर आते हैं और वो अनवर अंकल को लेकर जब देवी के घर जा रहे होते हैं तभी रास्ते में वो पीछे से अनवर अंकल को गोली मार देते हैं और वो अनवर अंकल को रोड के साइड में फेंक देते हैं। और देवी उस मीटिंग में जाते हैं और वो फकीरा से बोलते हैं, तुमने जो किया वो अच्छा नहीं किया। तो फकीरा बोलते हैं, तेरे बाप का गुरूर भी तो बड़ा है, उनके होते हुए हम लोग ड्रग्स का बिजनेस कैसे कर सकते हैं। तो देवी बोलते हैं, मैं यहाँ पर तुम तीनों से मीटिंग करने नहीं, तुम तीनों को मारने आया हूँ। और तभी वो फकीरा के एक आदमी के हाथ से गन छीन कर उन तीनों को शूट कर देते हैं। जब देवी घर पहुंचते हैं तो उनको पता चलता है कि रंजीत ने अनवर अंकल को गोली मार दिया। तो रंजीत बोलते हैं, वो ड्राइवर को गोली मारकर मुझे भी गोली मारने वाले थे, तो मैंने अपनी जान बचाने के लिए अनवर अंकल को गोली मार दिया। तो देवी बोलते हैं, अगर वो गद्दार थे तो मैं उनको गोली मारता, तुमने उसे क्यों मारा? तो देवी की भाभी बोलती हैं, उस अनवर अंकल के लिए तुम अपनी बहन को विधवा करना चाहते थे। और परी अपने डैड के पास जाती हैं और वो उन्हें देखकर बहुत गुस्सा हो जाती हैं और वो गुस्से में ही देवी के घर आती हैं और वो देवी से बोलती हैं, तुमने जो किया अच्छा नहीं किया। तो देवी बोलते हैं, तुम्हारे पापा फकीरा के लोगों से मिले हुए थे। तो परी बोलती है, जब तुम्हारे पापा को होश आ जाएगा तो उनसे पूछना, मेरे पापा गद्दार थे या कितने ईमानदार थे। और वो बोलती हैं, मेरे पेट में जो तुम्हारा बच्चा है मैं उसका कसम खाकर कहती हूँ, मैं तुम सारे ठाकुर खानदान को ख़त्म कर दूँगी। और फिर परी वहाँ से चली जाती हैं। और देवी के घर इंस्पेक्टर दयाल का कॉल आता है और वो राम से बोलते हैं, देवी ने फकीरा को मार डाला है और उसे पुलिस गिरफ्तार करने तुम्हारे घर जा रही है, देवी को जल्द से जल्द वहाँ से निकाल दो। तो राम देवी को घर से बाहर लेकर चले जाते हैं। तभी राम के घर पुलिस आती है और वो वहाँ देवी को ढूंढती है मगर देवी वहाँ नहीं होते। तो पुलिस वाले वहाँ से चले जाते हैं। और फिर फकीरा का भाई और राणा वो दोनों मिलकर रंजीत को कुछ पैसे देकर अपनी तरफ कर लेते हैं और देवी अपने घर कॉल करके अपनी बहन से बात कर रहे होते हैं। तो रंजीत वहीं होता है और वो अपनी वाइफ से पूछता है, देवी कहाँ गया है? तो देवी की बहन उसे बता देती है और देवी अपने पापा के दोस्त के पास गए होते हैं। तो रंजीत देवी का एड्रेस राणा को बता देते हैं और राणा वहाँ पर अपने लोगों को भेजते हैं और वे लोग देवी पर फायरिंग करने लगते हैं। तो देवी वहाँ पर राणा के सारे लोगों को मार डालते हैं। और तभी कालिदास ठाकुर को होश आ जाता है और वो पूछते हैं, देवी कहाँ है? तो राम बोलते हैं, पापा आप पे फकीरा के लोगों ने अटैक किया था, तो देवी ने फकीरा को मार डाला। देवी को खोजने पुलिस घर पर आई थी तो हम लोगों ने देवी को आपके फ्रेंड के पास भेज दिया है। तो कालिदास ठाकुर कमिश्नर के पास जाते हैं और वो उनसे बोलते हैं, मैं अपने बेटे को घर पर लाना चाहता हूँ, आप जितना पैसा मांगेंगे मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो कमिश्नर फकीरा का केस बंद करने के लिए कालिदास ठाकुर से 4 करोड़ रुपया लेते हैं। और फिर देवी वापस अपने घर आ जाते हैं और परी देवी से इतना ज़्यादा गुस्सा होती हैं कि वो राणा के भतीजे बॉबी से शादी कर लेती हैं। और देवी अपने दोस्त के पार्टी में जाते हैं तो देवी की मुलाकात चांदनी से होती है और वे लोग अच्छे दोस्त बन जाते हैं। और रंजीत सुबह सुबह दारू पी रहा होता है तो उनकी वाइफ उन्हें दारू पीने से मना करती हैं, तो वो उन्हें गाली देता है और बहुत मारता है। और तभी वहाँ देवी के बड़े भैया आते हैं और वो अपनी बहन से पूछते हैं, ये कैसे हुआ? तो वो बोलती हैं, रंजीत ने मुझे मारा। और रंजीत एक बार में दारू पी रहा होता है तभी वहाँ पर राम भैया आते हैं और रंजीत को वहाँ बहुत मारते हैं और वो रंजीत से बोलते हैं, अगर अगली बार मेरी बहन को छुआ भी तो मैं तुम्हें काट के रख दूँगा। और फकीरा का भाई और राणा और परी वे लोग तीनों मीटिंग करते हैं और राणा बोलते हैं, अगर ठाकुर खानदान को ख़त्म करना है तो हमें रंजीत का सहारा लेना होगा। तो परी बोलती है, नहीं वो कुत्ता है, वो हमारी मदद नहीं करेगा। तो फकीरा का भाई बोलता है, रंजीत हम लोगों की मदद करने के लिए तैयार है। और अगले दिन रंजीत दारू पीकर फिर आता है और वो देवी के बहन को फिर से मारता है। तो देवी की बहन राम भैया के पास कॉल करती हैं तो राम भैया बोलते हैं, मैं अभी आता हूँ। और राम जब अपनी बहन के घर जा रहे होते हैं तभी रास्ते में राणा के लोग उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं और राम को बहुत मारते हैं। जब राम अपनी आँख खोलते हैं तो उनके सामने राणा बैठा होता है। तो राम बोलते हैं, मुझे मालूम था फकीरा से भी ज़्यादा कमीना है तू। और तभी वहाँ पर रंजीत आता है और वो राम से बोलता है, तुमने मुझे बहुत मारा है, आज के बाद ये मौका तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगा। और वो राम का हाथ काट देता है।
और कुछ देर के बाद वहाँ कालिदास और देवी आते हैं और कालिदास जब अपने बेटे को देखते हैं तो वो रो पड़ते हैं और कालिदास देवी से बोलते हैं जिस जिसने ये काम किया है उसमें का एक भी आदमी जिंदा नहीं बचना चाहिए। और फिर राम भैया का चौथा होता है और वहाँ पे देवी की सारी फैमिली साथ में बैठी होती है और उस फंक्शन में राणा के लोग भी बैठे होते हैं और कुछ देर के बाद वे लोग फायरिंग करने लगते हैं और उस फायरिंग में देवी की भाभी को गोली लग जाती है। तो देवी चांदनी से गाड़ी निकालने के लिए बोलते हैं और उधर राणा के लोग गाड़ी के नीचे बम लगाए हुए होते हैं। चांदनी जैसे ही गाड़ी में बैठती हैं गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है। घर में अटैक होने की वजह से कालिदास ठाकुर और देवी को शक होता है कि घर का कोई तो है जो राणा से मिला हुआ है। तभी देवी की माँ रंजीत के सामने बोलती हैं देवी मैं और तुम्हारे पापा कुछ दिनों के लिए गेस्ट हाउस पर रहना चाहते हैं। तो देवी जस्ट अपने पापा की तरह नकली कालिदास ठाकुर को बनाकर गेस्ट हाउस के आंगन में रख देते हैं। तभी वहाँ पर राणा के आदमी आते हैं और वह नकली कालिदास ठाकुर पर फायरिंग कर देते हैं। तो देवी की माँ फायरिंग की आवाज़ सुनकर डर जाती हैं और लोगों की नज़र में कालिदास ठाकुर मर जाते हैं। फकीरा देवी से बोलता है राणा और फकीरा का भाई आपसे मिलना चाहते हैं और देवी गुस्सा में फकीरा के भाई के घर जाते हैं और वहाँ पर उसे मार डालते हैं। और फकीरा के भाई की मौत की खबर राणा को मिल जाता है और राणा एक प्लान बनाता है। परी जैसे ही घर से बाहर जाती है तो राणा उसके घर जाता है और उसके बच्चे को लेकर जाने की कोशिश करता है तो बॉबी उसे रोकने की कोशिश करते हैं तो राणा का आदमी बॉबी को जान से मार देता है। और कुछ देर बाद वहाँ परी आती है तो देखती है बॉबी मरा हुआ है और वो ईशान को खोजती है तो राणा वहीं पर होता है और वो बोलता है देवी उसे ले गया। तो परी को गुस्सा आ जाता है और वो राणा के साथ देवी के पास जाती हैं और देवी अस्थियां दहवा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर राणा के लोग फायरिंग करने लगते हैं और परी देवी पर फायरिंग करने लगती है तो देवी वहाँ से भागने लगते हैं और देवी और राणा के लोगों के साथ लड़ाई होती है तो देवी राणा के सारे लोगों को मार डालते हैं और देवी राणा के बॉडीगार्ड को मारने वाले ही होते हैं। तभी परी देवी पर फायरिंग कर देती हैं और देवी पानी में गिर जाते हैं और राणा भाऊ को गोली मारने ही वाले होते हैं तो परी बोलती है नहीं ये बताएगा कि ईशान कहाँ है। तो राणा बोलते हैं ये क्या बताएगा मैं बताता हूँ ईशान कहाँ है। तो परी देवी की तरफ देखती हैं तो राणा बोलता है तुमने उस बेचारे को खामोखा मार दिया। तो परी अपने बच्चे के पास जाती है तो राणा परी और उसके बच्चे को मारने वाले होते हैं। तभी समीर पानी से बाहर निकलकर और वो राणा को मार डालते हैं। तभी राणा का बॉडीगार्ड परी के सिर को दबाने लगता है तो देवी उसके सिर में चक्कू मार देते हैं और वहाँ पे देवी और परी दोनों मर जाते हैं। और कालिदास और उनकी बेटी रंजीत को घूमने के बहाने बाहर ले जाते हैं और देवी की बहन रंजीत को पीछे से गोली मार देती हैं।